हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएसई ऑनलाइन क्लास में। आज हम राजस्थान बोर्ड क्लास 10th हिंदी 21 मार्च 2023 का संपूर्ण पेपर हल करने वाले हैं। ऐसा पेपर जो कि 21 मार्च 2023 के पेपर में आपको हिंदी सब्जेक्ट से हुबहू जो है प्रश्न मिलने वाले हैं। ऐसे प्रश्न आप सभी को इस क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने इस क्लास को जो है लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर रहने वाला है। ऐसा मॉडल पेपर है जिसमें रामबाण प्रश्न दिए गए हैं, ब्रह्मास्त्र पेपर साबित होने वाला है 21 मार्च 2023 हिंदी पेपर के लिए। तो यहां पर आप बात करेंगे, सबसे पहले आपको एक गद्यांश मिलेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो दिए गए जो प्रश्न है उनका आपको उत्तर आपको निकालना है। तो आराम से आपको क्या करना है, सबसे पहले पैसेज को पढ़ना है, जो पद्यांश गद्यांश दिया गया उसको पहले पढ़े। तो आधुनिक काल में भी नारी एक बार फिर से अपनी पूरी क्षमता शक्ति और साहस के साथ समाज में आई देखने लगी है। शिक्षा के प्रचार प्रचार से वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भर गई है। यानी आधुनिक काल में नारी की स्थिति, उसके बारे में कुछ वर्णन दिया गया है। तो सबसे पहले इसका जो यहाँ पर जो शीर्षक बनेगा, जो टाइटल बनेगा, वो यही होगा कि आधुनिक काल में नारी की क्या स्थिति है। दूसरा जो होगा वो है नारियां आत्मविश्वास से कैसे भर गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा के प्रचार प्रसार से वह क्या हुआ है, पूरी तरह से आत्मविश्वास से नारियां भरी हुई है। आधुनिक नारी का आज़ादी में जो है क्या योगदान रहा है, आधुनिक जो नारियां हैं उनका आज़ादी में क्या क्या किस प्रकार से योगदान रहा है। तो यहाँ पर इस शब्द से जो है, इस वाक्य से आपको यहाँ पर पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। नए पेपर पैटर्न के अनुसार आपको अब की बार ऑप्शंस मिलेंगे। इनमें यहाँ पर आपको 4-5 यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको इसमें ऑप्शंस मिलेंगे कि ये सही होगा। यानी 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, इसमें से आपको ए बी सी यानी अ ब श द में से आपको कोई भरना होगा, आंसर शीट में लिखना होगा। इस प्रकार से आपके आंसर शीट बनेगी। हिंदी में एक विशेष ध्यान बात का ध्यान रखना है, हेड राइटिंग अच्छे से आप निकालना, आसानी से सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आसानी से अच्छे से जो है, जो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया उसका सटीक और सही आंसर देना है। तो इन सभी निम्न बातों का ध्यान रखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर एक है, सिक्वेंस नंबर का विशेष ध्यान रखें, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिखा और यहाँ पर लिखना है कि इसका भाई पहले का जो यहाँ पर इसका का उत्तर, ठीक है, उत्तर लिख लिए। फिर यहाँ पर आप अपना जो भी बी ऑप्शन है, जो भी अब शब्द भी है वो आप लिख सकते हैं। फिर आपको यहां पर एक सेकंड मिलेगा, वो पैसेज यहां पर पद्यांश मिलेगा, उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और प्रश्नों का उत्तर देना होगा। वही सूरज जरा इस आदमी को जगाओ, वही पवन जरा इस आदमी को हिलाओ, ये आदमी जो सोया पड़ा है, सो से बेखबर सपनों में खोया पड़ा है, वक्त पर जगाओ नहीं तो जब बेवक्त जागेगा ये तो आगे निकल गए हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पूरा का पूरा क्या दिया गया है, एक यहाँ पर पद्यांश दिया गया है। तो कविता ने कैसे आदमी को जगाने की बात कही गई है, इसको आपको लिखना है, अपनी जो भी मूल भावना है वो लिखना है। आदमी को वक्त पर क्यों जगाना आवश्यक है, घबरा के भागने पर क्षिप्र गति में क्या अंतर है, इस प्रकार से आपको पूरे के पूरे सभी प्रश्नों का आंसर करना है। फिर आपको जो यहाँ पर एक जो यहाँ पर निबंध लिखने को बोला जाएगा, निबंध में निम्न बातों का ध्यान रखना है। निबंध लिखते समय कई बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। एक तो जिस टाइटल पर यहाँ पर निबंध लिखा गया है उसके जो यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए ना, जो यहाँ पर इसमें जितने भी पॉइंट्स दिए गए इनको आपको विशेष तौर से आप ध्यान रखें, ठीक है, कि इनमें कौन कौन से यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रस्तावना दिया गया है, अनुशासन से जो भी लाभ हो रहे हैं वो यहाँ पर दिया गया है, विद्यार्थियों में क्या क्या अनुशासन का यहाँ पर सीखा जाता है, उपसार दिया गया है, इस प्रकार से अपनी ओर से पॉइंट बनाने की कोशिश ना करें, जो पॉइंट्स दिए गए उनको अच्छे से एक्सप्लेन करें, और इस तरह से आप पूरा का पूरा निबंध भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो इन सभी विशेष बातों का ध्यान रखना है। हिंदी का पेपर सामान्य जो है स्तर का आने वाला है, जिस प्रकार से इंग्लिश का पेपर आया है उसी प्रकार से हिंदी सब्जेक्ट का जो यहाँ पर पेपर है वो काफ़ी यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन आपको इस सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है। काफ़ी स्टूडेंट गलती करते हैं कि हाँ हिंदी ही है, हिंदी सब्जेक्ट है, हम आसानी से इसमें स्कोर कर जाएंगे, लेकिन नहीं, विशेष बातों का ध्यान रखना है, लिखने का तरीका, और एक यहाँ पर जो मेन बात है वो है हेड राइटिंग। हेड राइटिंग का विशेष तौर से ध्यान रखें, किस प्रकार से हेड राइटिंग को हम अच्छे से लिख सकते हैं, किस प्रकार से आंसर को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो वो जो तरीका है वो काफी महत्वपूर्ण जो है यहां पर भूमिका निभाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर आप सभी के सामने एक पत्र लिखने को कहा जा सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आ सकता है कि स्वयं आप क्या है, भिंडर जो यहाँ पर है वो तहसीलदार है, भिंडर के आप तहसीलदार हैं, उसको मानना है और अपनी तहसील में जो जल संकट के कारण जो जल व्यवस्था है तो अतिरिक्त जो बजट की मांग करनी है अपने जिलाधीश से, तो आपको किस प्रकार से उदयपुर को यहाँ पर आप पत्र लिखेंगे, तो इस प्रकार से यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर ऐसे मामले में जो यहाँ पर आपको क्या करना है, सेंडर रिसीवर इन दोनों का यहाँ पर आपको एड्रेस, यानी भेजने वाला
ठीक है, भेजने वाला और प्राप्तकर्ता, इन दोनों का यहाँ पर आपको एड्रेस डालना होगा। इस प्रकार से फिर जो भी मौदे वगैरह जो भी है ना, आप लिख के और सब्जेक्ट लिख के आप आसानी से कर सकेंगे। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण जो यहाँ पर ग्रामर के क्वेश्चंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रामर के क्वेश्चंस रहने वाले हैं आप सभी के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमारी क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जिन्होंने भी हमारी हिंदी की जितनी भी क्लासे लगी है, दो पहले लगी है, अभी ये है और आगे और भी दो तीन जो है यहाँ पर क्लासे 21 मार्च 2023 एंड तक लगेगी, तो यहाँ पर उन सभी क्लासों को अच्छे से अटेंड करिएगा। 100% दावा है कि 70 से प्लस ही आपके स्कोर बनेंगे आउट ऑफ 100, ठीक है, यानी 80 मार्क्स का आप सभी का पेपर रहेगा प्लस 20 नंबर सेशनल के रहेंगे। इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी के 100 में से 70 यहाँ पर बन जाएंगे, यानी सभी के जो यहाँ पर 60 बनेंगे 80 में से, ठीक है, यहाँ पर 80 में से आपके 60 आने वाले। यदि आपने सही तरीके से हमारा जो भी टिप्स वगैरह फॉलो की है, हमारी रेगुलर क्लासेस अटेंड की अच्छी तरह से, तो 100% आपके अच्छे मार्क्स बनने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हम ग्रामर का जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, तो आपने पढ़ा होगा क्रिया, ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब, ठीक है। तो देखो, वे शब्द जो किसी कार्य के होने या करने या किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध कराते हैं। क्रिया, जैसे क्रिया का जो सामान्य अर्थ होता है वो होता है कार्य, क्या होता है कार्य। अब कोई भी कार्य, ऐसे शब्द जो होते हैं जो किसी कार्य के होने का बोध करवाते हैं या फिर उसके करने का बोध करवाते हैं, तो वो होती है क्रिया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जो कर्म के आधार पर, अलग अलग जो यहाँ पर आधारों पर अलग अलग क्रिया के प्रकार बताए गए हैं, तो कर्म के आधार पर दो प्रकार की क्रिया है। एक यहाँ पर जो क्रिया आती है वो आती है सकर्मक क्रिया होती है, और एक होती है अकर्मक क्रिया। अब इन दोनों की परिभाषा भी पूछी जा सकती है कि सकर्मक जो क्रिया वो किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। जैसे इसके नाम से ही पता चलता है, सकर्मक यानी जिसके साथ स यानी सह, ठीक है, जिसके साथ कर्म जुड़ा हुआ हो वो क्रिया कौन सी हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी, और वो क्रिया जिसके साथ कर्म जुड़ा हुआ नहीं है वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर लिखना है, अच्छी तरह से आप इस क्वेश्चंस को डिफाइन कर सकते हैं। आपके यहाँ पर 2 नंबर का ये पूरा का पूरा क्वेश्चंस रहेगा। आ सकता है संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने हैं, उसी प्रकार से सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं, ठीक है, समास किसे कहते हैं, अलंकार किसे कहते हैं, इस प्रकार से ये परिभाषा जरूर आपको यहाँ पर रट लेनी है। पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है, पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें जो भी कारक है ना, और जो काल है और जो वाच्य है, ये आपको पता होना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, इसमें जो कारक आएगा वो आएगा करण कारक। कौन सा कारण होगा, करण कारक होगा, क्योंकि जिस कारक में द्वारा शब्द का प्रयोग हो वो कौन सा कारक होता है, ये इसका क्या है, एक पहचान चिन्ह है, द्वारा, के द्वारा, ठीक है, एक तो होता है के लिए, एक होता है के द्वारा, तो ये जो है ना जिसमें आता है वो करण कारक होता है, तो ये भी आपको रूल पता होना चाहिए। काल कौन सा हो जाएगा, तो लिखा गया यानी लिखा हो चुका है, तो यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, भूतकाल हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी भूतकाल हो जाएगा। और कृतवाच्य होगा, कौन सा वाच्य होगा, सॉरी कृतवाच्य होगा, ठीक है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर याद करना है। गजानन शब्द में कौन सा समास है, अब समास से आपको यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, काफी महत्वपूर्ण है। जितने भी समास है, चाहे वो अव्यभाव समास हो, बहुव्रीहि समास हो, चाहे तत्पुरुष समास हो, जितने भी समास है उन सभी को ही परिभाषा आनी चाहिए और सभी के एक दो उदाहरण आपको याद होने चाहिए, तभी आपके यहाँ पर मार्क्स ग्रामर के क्लियर होने वाले। तो यहां पर आप देख सकते हैं गजानन, उससे पहले अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जल्दी से हमारा टेलीग्राम चैनल विजिट करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, वहां पर भी इंपॉर्टेंट यहां पर क्वेश्चंस आपको यहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखो, गजानन का जो यहां पर सबसे पहले क्या करेंगे, विच्छेद करेंगे, तो गज प्लस आनंद क्या होता है, गज प्लस आनंद, यानी गज यानी हाथी के समान, और आनंद का अर्थ होता है मुंह, हाथी के समान मुंह, जिससे जिसका अर्थ होता है गणेश, जो है गणेश जी के लिए यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है गजानन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुव्रीहि समास हो जाएगा, कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि यानी किसी की उपाधि दी गई है, किसी को धारण करने का बताया गया है, तो वो कौन सा होगा, बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर देखा गया है इसको यहाँ पर क्या मानेंगे, कर्मधारय समास मानेंगे, लेकिन कर्मधारय समास इसमें नहीं होगा, ये इसका गलत आंसर है, ठीक है, यहाँ पर कौन सा है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं उसको शुद्ध करना है, जो वाक्य दिया गया है, जैसे मेरे को अभी जाना है, तो अभी मेरे को जाना है, ये इसका क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, अभी मेरे को जाना है, अभी मेरे को
जाना है, मेरे को जाना है, ये इसका जो यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर मुहावरे का अर्थ आपको लिखना होगा अगर मगर करना। अगर मगर का जो करना, इस मुहावरे का अर्थ होगा टाल मटोल करना, किसी कार्य को करने में आप अगर मगर करते हो। वाक्य से प्रयोग हो सकते हैं तो टाल मटोल करना, ठीक है, किसी कार्य को करने में टाल मटोल करना। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं आपे से बाहर होना, यानी अत्यधिक क्रोधित होना, ठीक है, अत्यधिक क्रोधित होना। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं अंधेरी नगरी सौपट राजा, वेरी इंपॉर्टेंट, अंधेरी नगरी सौपट राजा काफी महत्वपूर्ण है, यानी ऐसी नगरी जहां पर जनता भी ऐसी है और सौपट राजा यानी जो राजा है वो भी मूर्ख है, वो भी अज्ञानी है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ इस प्रकार से आपका हो सकता है। नेक्स्ट आप सभी के सामने सप्रसंग व्याख्या, काफी महत्वपूर्ण है आपके अच्छे मार्क्स के लिए। यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या का होना काफी महत्वपूर्ण है। दो यहाँ पर जो यहाँ पर होगी, जिसमें एक होगी पद्यांश वाली और एक होगी गद्यांश वाली, इनको करने का क्या तरीका रहता है मैंने आपको बार बार क्लासों में बताया जा चुका है। तो यहाँ पर हम इस क्लास में और भी आपको एक बार तरीका बता देते हैं। जैसे गद्यांश है तो देखो, स्वतंत्रता सेनानी आम का बाग लगाता है, जेलर साहब वह जानता है शाम का अमृत उसे नहीं मिलेगा, वह अपने प्राण बोकर खुद पसीने से सोचकर यह अमृत फल आने वाली पीढ़ियों के लिए उगाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका पूरा का पूरा जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर संदर्भ लिखना होगा किस पाठ से लिया गया है, उस पाठ के लेखक का क्या नाम है, उसके बाद उसका पूरा का पूरा यहाँ पर व्याख्या करना होगा और फिर उसके बाद में आपको लिखना है विशेषण, तभी आपके फुल मार्क्स जो है यहाँ पर इसी व्याख्या से आपको मिल जाएंगे। फिर आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन मैंने आप सभी को बता दिए हैं। हिंदी में आपके जितने भी पाठ हैं उनकी मूल संवेदना, उस पाठ का जो मूल जो भावना है वो क्या है, वो आपको पता होना बहुत ही आवश्यक है। लक्ष्मण परशुराम जो संवाद है वो पाठ के संवादों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, पर वो कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। अब देखो सिर्फ और सिर्फ लेशन का नाम आ रहा है, पाठ का नाम आ रहा है, अब आपको उसका मूल भाव है वो आपको लिखना है। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आएंगे, आपको अच्छे से पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं मातृवंदना, कन्यादान, ऐसे ऐसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जा रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं आप सभी के लिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और यहाँ पर सड़क सुरक्षा से भी आपके यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, लेखक कवि परिचय पूछा जा सकता है, लेखक परिचय पूछा जा सकता है, दादू पंत के जो पंच जो तीर्थ है उनका आपको नाम याद होना चाहिए, संत दादू ने अपने शिष्यों को क्या शिक्षा दी थी उसके बारे में आप लिख सकते हैं। यानी जितने मार्क्स है उसका यहां पर आपको यहाँ पर लगभग ज़्यादा नहीं, लेकिन जो उत्तर दो वो आपको सटीक आंसर देना है और सही लिखना है, जो भी लिखो वो सही लिखना है। और यहाँ पर कुछ बड़े क्वेश्चन है तो उनका आप आंसर यहाँ पर पॉइंट वाइज में भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको ज़्यादा गाथा लिखने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा लिखने से ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। जितना सही लिखोगे, जितना सटीक लिखोगे उतने आपके ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल बने, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट।